उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा हो गया। जी हां, आर्मी का ट्रक पलट गया। आपको बता दें, दुखद हादसा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ है। देवप्रयाग थाना क्षेत्र के एनएचपीसी बेंच के पास आर्मी का ट्रक पलटा है। इस वजह से कई जवान ट्रक के नीचे दब गए। फिलहाल एक जवान के मौत की खबर है। मामले की जानकारी मिलते ही देवप्रयाग थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस हादसे में एक जवान की दुखद मौत की खबर है। पुलिस के मुताबिक फोन पर उन्हें सड़क हादसे की सूचना मिली थी, जिसके बाद देवप्रयाग थाने और बेचली खाल पुलिस चौकी के फोर्स मौके पर भेजी गई। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो एनएचपीसी बेंच के पास आर्मी का ट्रक पलटा था, जिसके बाद पुलिस ने देर न करते हुए तत्काल हाइड्रा बुलवाई और ट्रक के नीचे से जवान को बाहर निकाला। इसके बाद जवान को तत्काल उपचार के लिए सीएचसी देवप्रयाग पहुंचाया गया। वहां डॉक्टर ने जवान को मृत घोषित कर दिया। जानकारी में पता चला कि ट्रक में गढ़वाल स्काउट के सूबेदार खुशपाल सिंह सहित कुल चार जवान बैठे थे, जो गौचर से रायवाला देहरादून जा रहे थे। चालक एनके दर्शन के मुताबिक पुलिस ने बताया कि ट्रक का प्रेशर अचानक से खत्म हो गया। इस वजह से ट्रक के ब्रेक ने काम करना ही बंद कर दिया और पहाड़ी पर चढ़ाई के कारण ट्रक पीछे आने लगा। इन हालातों में ट्रक में सवार सूबेदार व अन्य जवान अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से कूदने लगे, लेकिन तभी ट्रक पलट गया और एक जवान उसके नीचे आ गया। हादसे में मरने वाले जवान की पहचान हवलदार शैलेंद्र सिंह उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है, जो 26 राजपूत रेजिमेंट का जवान था। घटना में अन्य जवानों को हल्की फुल्की चोट आई हैं, लेकिन फिलहाल इस दुखद घटना से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर छाई है।